गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की क्लासेस में आपका वेलकम है। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अवकलन। बेसिक अवकलन अपन ने 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अपन फाइनली अपन 12th की बातें करते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूलों की ज़रूरत होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन फॉर्मूलों पर डिस्कस कर रहे हैं, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। तो डेरिवेटिव के फॉर्मूलों में सबसे फर्स्ट फॉर्मूला अपन ले रहे हैं d/dx c, मतलब कोई भी प्रॉपर जो कांस्टेंट होगा, सी यहाँ पे कांस्टेंट है, उसका जो डेरिवेटिव होगा x के रेस्पेक्ट या y के रेस्पेक्ट किसी के भी रेस्पेक्ट, वो क्या होगा, जीरो होगा। फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये होगा कि d/dx कल को अगर मुझे 100 का डेरिवेटिव करना है तो आंसर क्या होगा, जीरो होगा। सेकेंड अपन ले रहे हैं d/dx cx, कल को अपने पास में कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है, तो कांस्टेंट डेरिवेटिव मतलब अवकलन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो सी तो बाहर आ गया अपने पास। और फाइनली अपन को किसका अवकलन करना है, एक्स का, और एक्स का अवकलन क्या होगा आपका, 1, तो आंसर क्या हो गया अपने पास, सी। जैसे अपन को डेरिवेटिव करना है 10x का, तो 10 तो कांस्टेंट है और एक्स का क्या हो गया, 1, तो फाइनल आंसर क्या हो गया अपना, 10, राइट है। थर्ड पे अपन डिस्कस कर रहे हैं d/dx एक्स की पावर n, एक्स की पावर n, n क्या है यहाँ पे, n बिलोंग्स टू i, इंटीजर नंबर से, मतलब रियल नंबर भी ले सकते हो आप, n बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे। तो फाइनली x की पावर n का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, n x की पावर n माइनस 1। जैसे अगर आपको करना है x की पावर 10 का डेरिवेटिव, तो क्या होगा फाइनली, डेरिवेटिव को डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे डैश रख दिया बार बार dx की जगह। तो यहाँ पे देखो 10 तो आगे आ गया और 10 में से एक कम करेंगे तो 9 हो गया, तो 10x की पावर क्या हो गया, 9 हो गया फाइनली। तो ये हो गया x की पावर n का, डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए n x की पावर n माइनस 1। फोर्थ लेते हैं अपन d/dx, कल को बहुत सारे फंक्शनों के बीच में अगर प्लस और माइनस के साइन है अपने पास, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ c1x c2x c3x इस तरह से हैं, तो अपन क्या करेंगे, इसमें प्लस हो या माइनस हो तो अपन सेपरेटली अलग अलग करके डेरिवेटिव करेंगे। तो सबसे पहले अपन करेंगे d/dx c1x का, फिर अपन किसका करेंगे d/dx, प्लस हो तो प्लस लगा देंगे, माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे, फिर अपन करेंगे c2x का, फिर अपन करेंगे c3x का, इस तरह से करते रहेंगे अगर बीच में प्लस और माइनस के साइन होगा तो, राइट है। जैसे फॉर एग्जांपल कल को अपन को डेरिवेटिव करना है सब x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10 का, तीन फंक्शन है, आप डायरेक्टली भी प्रैक्टिस हो जाती तो अपन डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बाकी का आप पहले एक्स स्क्वायर का करोगे जो कि 2x हो गया इस फॉर्मूले से, x का भी 1 हो गया और 10 का 0 हो गया क्योंकि प्योर कांस्टेंट है, तो फाइनली अपने पास में आंसर है 2x प्लस 1। तो अपने पास में चार फॉर्मूले हो गए, प्योर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट के साथ में अगर वेरिएबल है तो कांस्टेंट तो डेरिवेटिव में पार्टिसिपेट करता नहीं है, और x का 1 हो गया, x की पावर n का n x n माइनस 1 होता है, और बहुत सारे फंक्शन अगर प्लस में है या माइनस में है तो सेपरेट करके अपन क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव करते हैं। फिफ्थ फॉर्मूला है अपने पास में, दो फंक्शन अगर कल को प्रोडक्ट में है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल, गुणा नियम। अगर अपने पास में कल को, ये अच्छा रूल है बहुत सारे क्वेश्चनों में अप्लाई होता है, तो अगर कल को अपने पास में दो फंक्शन मल्टीपल में है, जैसे अपन नाम ले रहे हैं यू और वी, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट वाला फंक्शन वैसे ही और सेकेंड का डेरिवेटिव, और फिर सेकेंड वाला फंक्शन वैसे ही और फर्स्ट का डेरिवेटिव, मतलब एक बार पहली वाली पार्टी को छोड़ दो दूसरी का डेरिवेटिव, दूसरी को छोड़ दो पहली का, किसी को भी फर्स्ट और सेकेंड ऐड कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर कल को इसी में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें, दो फंक्शन अपने पास में डिफरेंट डिफरेंट, जैसे एक्स एंड वाई है, इसका क्या करना है डेरिवेटिव, तो मैंने एक्स को छोड़ दिया, वाई का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट, याद है आपको क्या होता है, dy/dx, क्योंकि y फंक्शन है, y का x के रेस्पेक्ट होगा dy/dx, फिर y वाली पार्टी को छोड़ दो और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, जो कि मैंने यहाँ लिखा dy/dx x, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। अगर कल को अपने पास में तीन फंक्शन है dy/dx u v एंड w, राइट है, तो भी आप प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हो, वही सेम स्टोरी है, दो फंक्शन को छोड़ना है और एक का करना है, जैसे u और v को छोड़ दिया आपने और W का कर दिया, आप इसको W डैश भी बोल सकते हो,
फिर अब आपने इसका हो गया बी का करने चाह रहे हो तो यू और डब्ल्यू को छोड़ दो, बी का कर दिया, और फाइनली अब आपने यू का करना है तो वी और डब्ल्यू को बाहर ले लो और किसका कर दो, यू का कर दो। तो ये इस तरह से अपन तीन फंक्शन का भी क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव कर सकते हैं, राइट है। यस, नेक्स्ट है अपना डिवाइड रूल, ठीक है, प्रोडक्ट रूल हो गया, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड वैसे फर्स्ट का। डिवाइड रूल देखिए आप, डी वाई डी एक्स यू अपॉन वी, कल को कोई दो फंक्शन जो है आपके किसमें है, डिवाइड में, तो डिवाइड रूल क्या कहता है, हर का स्क्वायर, नीचे वाले पार्टी का स्क्वायर, ठीक है, फिर आपका v वैसे ही मतलब हर वैसे ही और किसका उकलन, अंश का, मतलब डी वाई डी एक्स यू, ठीक है, माइनस u वैसे ही और अब की बार v का डेरिवेटिव, मतलब आपका न्यूमरेटर का स्क्वायर, फिर न्यूमरेटर वैसे ही, राइट है, मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर, न्यूमरेटर वैसे ही और फिर u का और फिर u वैसे ही v का, तो फाइनली अपने पास में आप इसको यूँ भी देख सकते हो, हर का स्क्वायर फिर हर वैसे ही किसका, अंश का उकलन और फिर अंश वैसे ही और किसका उकलन, हर का उकलन, जैसे भी याद करें कुल मिला के प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल डी वाई डी एक्स, ठीक है, आपको डेरिवेटिव करना है लॉग एक्स, ऊपर है अपने पास में है लॉग एक्स और अपॉन में है अपने पास में एक्स, लॉग एक्स अपॉन एक्स, तो दो फंक्शन है डिवाइड में, तो आप क्या करोगे, डिवाइड वाली पार्टी का स्क्वायर फिर डिवाइड वाली पार्टी वैसे ही, और लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है वन अपॉन एक्स, तो क्या होता है वन अपॉन एक्स माइनस फिर लॉग एक्स वैसे ही और एक्स का डेरिवेटिव वन, तो फाइनली एक्स एक्स कैंसिल हो गया, वन माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये था अपने पास में डिवाइड रूल। अब अपन ले रहे नेक्स्ट, तो दो रूल हो गए, प्रोडक्ट एंड डिवाइड रूल, प्लस माइनस में कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस माइनस में सेपरेट करके हो जाता है। अब फाइनली कुछ बेसिक फॉर्मूले और, जैसे कि अभी आया है अपने पास में लॉग एक्स, ये सब फॉर्मूले आप जानते हो, बस नहीं जानते हो तो आप ध्यान रखें, लॉग एक्स का क्या हुआ, वन अपॉन एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई की पावर एक्स ही होता है, और अगर कल को ई की पावर माइनस एक्स हो तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स। इसके बाद में अपन बात करें डी वाई डी एक्स, ए की पावर एक्स, ए की पावर, यहाँ पे ए कौन है, एक्सपोनेंट फंक्शन है स्टूडेंट्स, ए कौन है, कांस्टेंट है, और एक्स जो है वो कौन है, वेरिएबल है, और ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए, क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए, लॉग की तीन प्रॉपर्टियां भी इंपॉर्टेंट है जो कि डेरिवेटिव में काम आती है, डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है माइनस, लॉग एन माइनस लॉग एन, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है प्लस करना, लॉग एन प्लस लॉग एन, ये सब बातें आपको बेसिक में पता होना चाहिए, और लॉग में डिग्री अगर है तो डिग्री आगे आ जाती है एन लॉग एन, याद है तीनों, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूले थे, इसके बाद में अपन बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलों की। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव देखिए, आपके पास छह फलन होते हैं, तो डी वाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का उकलन होता है साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, कल को अपन बात कर रहे हैं कॉस एक्स की, कॉस एक्स का उकलन होता है माइनस साइन एक्स, कल को अपन बात कर रहे हैं साइन कॉस के बाद में टेन एक्स की, टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, आपको बिल्कुल डायरेक्टली याद होना चाहिए, इलेवंथ क्लास में प्रूफ होते थे इनके, बट अपन को प्रूफ की जरूरत नहीं, डायरेक्टली साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, sec x का होता है sec x tan x, sec x multiply में tan x, sec x tan x, and last में आपका cosec x का होता है minus cosec x and cot x, तो देखिए आप इसमें तीन negative है, तो देखो जो c से start हो रहे हैं, जो c से start हो रहे हैं, तो c से जो start हो रहे हैं वैसे function के आगे कौन सा sign students, negative, आप इस तरह से देख सकते हो, तो देखो आप एक तो कॉस माइनस में है, एक कॉट माइनस में है और कोसेक माइनस में, ताकि मिस्टेक नहीं हो, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का sec स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, sec एक्स का sec एक्स टेन एक्स एंड कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं
उसके बाद में है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो कि पढ़ा हुआ अपना प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। वही साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। किसी स्टूडेंट को पता हो तो अपनी डिस्कस हुआ था आईटीएम में कि अगर कल को रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो एक्स इक्वल्स टू साइन और कॉस पुट करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन से, तो उस तरह से आप रिलेटेड भी कर सकते हो। टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स में क्या होगा? माइनस में हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। एंड सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। एंड फाइनली लास्ट में आपका कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का होता है माइनस वन अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखिए वही जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं वो नेगेटिव है, बस इसमें आपको तीन फॉर्मूले याद करना है। साइन इनवर्स एक्स का वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, जैसा साइन का है वैसा ही कॉस का, बस इसके आगे माइनस है। टेन इनवर्स एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, जैसा टेन का है वैसा ही कॉट का है, बस इसके आगे माइनस है। और सेक इनवर्स एक्स का वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इसके आगे कोसेक के आगे माइनस में। तो कुल मिला के वही जो तीन फंक्शन जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं वो नेगेटिव है, बाकी के तीन पॉजिटिव है, वैसे ही हैं जैसे जीरो से। तो कुल मिला के फाइनली डिफ्रेंशिएट के अपने पास में ये कुछ फॉर्मूले थे, इसके द्वारा अपन क्वेश्चन करेंगे। तो इन फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से लर्न करें। नेक्स्ट पार्ट सेकंड लेके आ रहे हैं अपन। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम।